Assalamualaikum क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 8 चैप्टर, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है SST। SST तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, वैसे तो हम सारे सब्जेक्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है हर क्लास में कुछ ना कुछ चेंज है, या हम अपने लेवल्स पढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारा 1 है, जिसके लिए आपको बुक का पेज नंबर 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, अपनी SST की बुक, SST की क्या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी बुक अगर आप साथ रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग देखेंगे, कुछ तो आपके डिक्शनरी में नए वर्ड्स इंक्लूड होंगे। सेकंड, आप जो रीडिंग करेंगे आपको अपनी सेंटेंस को समझने में आसानी होगी। ठीक है, वेरी फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, परसीव। परसीव कहते हैं पहुंचना, रीच नहीं है कि हम कहीं पहुंचे, यहाँ पे परसीव होता है किसी चीज के तह तक पहुंचना, किस चीज को जानना। इनेट, फितरी, फितरत, यानी कि हमारी फितरत क्या है, हमारा अपना तरीका क्या है। दर्द कहते हैं तहकीकात को, मैसिव, भारी, वजनी या बड़ी, मैस फैलावे को भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम डिपेंड करता है कि हम यूज किस तरह कर रहे हैं, यहाँ पे मैसिव है, भारी, वजनी, बड़ी। स्ट्राइव कहते हैं मेहनत करना, कंस्टिट्यूट कहते हैं बनाना, फ्यूजन होता है पिघलना, सेलेस्टियल होता है आसमानी, कमेट धूमधार तारा, ऐसे तारा जिनकी धूम है। ओके, एस्ट्रॉइड छोटे तारे, ऑर्बिट कहते हैं चक्कर या मदार, वो रास्ता जिससे हमारा प्लैनेट जो है वो मूव करता है, हमारा सन या मून। ओके, मेट्रोइड कहते हैं बड़े तारे, इलिप्टिकल कहते हैं बेजवी, अंडेरमा प्राइमरीली होता है इब्तिदा में, यानी इब्तिदा की बात कर रहे हैं जब हमारे प्लैनेट्स वगैरह बिल्कुल स्टार्ट में थे, कैसे थे, क्या हुआ। टेलीस्कोप कहते हैं दूरबीन, दूर की चीज को करीब करके देखना, अमूमन देखी होगी हमने। ठीक है, चैप्टर ने द यूनिवर्स, कायनात, कायनात में क्या क्या शामिल है उसके बारे में व्यू लेंगे आज के लेक्चर में। अल्लाह माइटी हैज क्रिएटेड दिस अर्थ, द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान, चांद और सैयारे क्यों बनाए, मैनकाइंड, इंसानों की मदद के लिए, इंसानों के फायदे के लिए। This creation makes our belief in his existence still stronger. ये तमाम चीजें हमारे यकीन को और मजबूत करते हैं कि अल्लाह ताला मौजूद है। The universe is so large that it is almost impossible for the human mind to perceive it in its entirety. हम लोग का जो दिमाग है ना बहुत तेज चलता है, लेकिन फिर भी हम क्या है, अल्लाह ताला ने जिस तरह से इस दुनिया को बनाया है ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम उसके हर जड़ हर तह तक पहुंच सके। यानी कि जब हम नॉलेज हासिल करते जाते हैं ना तो हमें लगता है अभी भी बाकी है, और लगता नहीं है ऐसा ही है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम 1, 2, 3 इतनी क्लासेस में 7 तक 6 तक पढ़कर आए कि यूनिवर्स क्या है, क्या क्या चीजें हमें जानने, लेकिन जब हम अगली क्लासेस में जाते रहेंगे कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। ठीक है, Everyone understand the universe and its effect on us in a different way. हर कोई समझता है दुनिया को, यूनिवर्स को और उसके असर को भी अपने ऊपर, लेकिन क्या डिफरेंट वे। सबका अपना अपना सोचने का, समझने का और देखने का तरीका अलग है। But most of us would agree that humans have an innate need to understand their surroundings. लेकिन जो सबकी बात मुत्तफिक है वो ये है, इंसान की फितरत है कि वो दुनिया को, कायनात को समझे या सीखे। व्हाइल फिलोसोफर्स डेल्व इनटू द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट इट्स मैकेनिज्म, पॉइंटिंग टेलीस्कोप ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर फार अवे एट अनइमेजिनेबल डिस्टेंस, और ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ टाइडल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इन द लेबोरेटरी। अच्छा, क्या कह रहे हैं, इसके अलावा फिलोसोफर और साइंसदान ने मजीद जानने के लिए क्या किया है, टेलीस्कोप का यूज किया कि दुनिया, यानी हम अपने जो जमीन पे मौजूद है वहां से बैठ कर देखें कि खला में कौन सी भारी वजनी चीजें हैं, उन्हें देखें कि वो किस तरह से मूव कर रही हैं। इवन के, यानी ये बड़ी चीज हो गई, छोटी एक ड्रॉप जिसे कहते हैं पानी का, किसी भी किस्म के लिक्विड का, उसे भी लेबोरेटरी में ऑब्जर्व किया कि आया इसमें क्या है, कि कैसे बना, इसकी तकलीफ कैसे हुई। ओके, दे
tries to understand how the universe is put together and how does it work. उन्होंने इस पर मेहनत की और समझने की कोशिश की कि दुनिया कैसे इकट्ठी हुई और किस तरह से काम कर रही है. However, for our need and understanding, we will be mainly looking at the sun, the moon, and the planets which together constitute the solar system. However, जबकि फिर भी हम क्या करते हैं इन तमाम चीजों के लिए देखते किसी को वही हमारा सूरज, हमारी जमीन और हमारा मून, हमारा चांद. ये तमाम चीजें मिलकर बनाती क्या है सोलर सिस्टम, निजामे शमसी. इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग या और भी दिलचस्प है टू नो दैट अवर सोलर सिस्टम इज वन ऑफ द फोइंग मेनी सच सिस्टम इन द यूनिवर्स. दुनिया के जितने भी निजाम है ना उनमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है हमारा सोलर सिस्टम. पढ़ते हुए आए हैं लेकिन क्या है जितनी हमारी क्लासेस आगे जाती जाएंगी ना हम उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट पढ़ते जाएंगे और मजीद डीपली पढ़ते जाएंगे उनके बारे में, मतलब डिटेल से पढ़ते जाएंगे. अच्छा सोलर सिस्टम में हम मोस्टली अपने क्या बात सुनते हैं प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के बारे में जिक्र करते हैं, खला के बारे में, आसमानी चीजों के बारे में बात करते हैं. ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जो कि हमारे SSC के पेज नंबर 1 पे मौजूद है. आपने क्या करना है इसकी रीडिंग करनी है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे.